हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बॉडी पार्ट्स के नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ़ोटो के साथ लेकर आया हूं। हमारे बॉडी में अप्रोक्स 80 बॉडी पार्ट्स और ऑर्गेन्स हैं। शायद ही सारे बॉडी पार्ट्स के नाम आपको पता होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बॉडी के सारे नाम हिंदी और इंग्लिश में जान जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। इसे बोलते हैं बाल, यू कैन से इन इंग्लिश हेयर। आप इसे इंग्लिश में हेयर बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं मुंह, यू कैन से इन इंग्लिश माउथ। माउथ से हम खाना खाते हैं। इसे बोलते हैं दांत, यू कैन से इन इंग्लिश टीथ। यह हमें कुछ चीज़ काटने और चबाने में हेल्प करती है। इसे कहते हैं मसूड़े, यू कैन से इन इंग्लिश गम्स, जो हमारे दांत को प्रोटेक्ट करते हैं। इसे कहते हैं जीभ, यू कैन से इन इंग्लिश टंग। टंग से हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट पता चलता है। इसे कहते हैं आँखें, यू कैन से इन इंग्लिश आइज। आइज से हम सारी दुनिया को देखते हैं। इसे कहते हैं पलके, यू कैन से इन इंग्लिश आईलिड्स। आईलिड्स हमें कचरा से बचाता है। इसे कहते हैं होंठ, यू कैन से इन इंग्लिश लिप्स। यह है अपर लिप और यह है लोअर लिप। लिप्स हमें बोलने में मदद करता है। इसे बोलते हैं ठोड़ी, यू कैन से इन इंग्लिश चिन। चिन इसे कहते हैं चेहरा, यू कैन से इन इंग्लिश फेस। फेस हमें अच्छा पर्सनालिटी देता है, अच्छा लुकिंग देता है। इसे कहते हैं नाक, यू कैन से इन इंग्लिश नोज। नाक से हम किसी चीज़ का स्मेल लेते हैं और सांस लेते हैं नाक से। इसे कहते हैं कान, यू कैन से इन इंग्लिश ईयर्स। कान से हम सुनते हैं, किसी भी चीज़ का आवाज़ हम कान से ही सुनते हैं। इसे कहते हैं गर्दन, यू कैन से इन इंग्लिश नेक। नेक इसे कहते हैं कनपट्टी, यू कैन से इन इंग्लिश टेम्पल। कनपट्टी जो होती है उसे टेम्पल कहते हैं। इसे कहते हैं सिर या माथा, यू कैन से इन इंग्लिश हेड। हेड इसे कहते हैं कंधा, यू कैन से इन इंग्लिश शोल्डर। शोल्डर इसे कहते हैं बाजू, यू कैन से इन इंग्लिश आर्म। आर्म इसे कहते हैं मुट्ठी, यू कैन से इन इंग्लिश फिस्ट। फिस्ट इसे कहते हैं कांक, यू कैन से इन इंग्लिश आर्मपिट। आर्मपिट इसे कहते हैं छाती, यू कैन से इन इंग्लिश चेस्ट। चेस्ट इसे कहते हैं कलाई, यू कैन से इन इंग्लिश रिस्ट। रिस्ट इसे कहते हैं उंगलियां, यू कैन से इन इंग्लिश फिंगर्स। फिंगर्स इसे कहते हैं अंगूठा, हाथ की अंगूठा, यू कैन से इन इंग्लिश थंब। थंब इसे कहते हैं नाखून, यू कैन से इन इंग्लिश नेल्स। नेल्स इसे कहते हैं पीठ, यू कैन से इन इंग्लिश बैक। बैक इसे कहते हैं हाथ, यू कैन से इन इंग्लिश हैंड्स। हैंड्स हैंड से हम कोई काम करते हैं। इसे कहते हैं पंजा, यू कैन से इन इंग्लिश पाव। पाव पंजा से हम किसी से हाथ मिलाते हैं। इसे कहते हैं भौं है, यू कैन से इन इंग्लिश आईब्रो। आईब्रो इसे कहते हैं दाढ़ी, यू कैन से इन इंग्लिश बियर्ड।
बियर्ड, इसे कहते हैं मूछ, यू कैन से इन इंग्लिश मोस्टाइच, मोस्टाइच। इसे कहते हैं पेट, यू कैन से इन इंग्लिश बेली, बेली। इसे कहते हैं नाभि, यू कैन से इन इंग्लिश नेवल, नेवल। इसे कहते हैं जोड़, यू कैन से इन इंग्लिश ज्वाइंट, हड्डी का जो ज्वाइंट होता है, जोड़ होता है। इसे कहते हैं जांग, यू कैन से इन इंग्लिश थाई, थाई। इसे कहते हैं पैर, यू कैन से इन इंग्लिश लेग्स, लेग्स। इसे कहते हैं घुटना, यू कैन से इन इंग्लिश नी, नी। इसे कहते हैं मांसपेशिया, यू कैन से इन इंग्लिश मसल्स, मसल्स। इसे कहते हैं पिंडली, यू कैन से इन इंग्लिश काफ, काफ। इसे कहते हैं एड़ी, यू कैन से इन इंग्लिश हील, हील। इसे कहते हैं अंगूठा, पैर का अंगूठा, यू कैन से इन इंग्लिश टो, टो। इसे कहते हैं तलवा, यू कैन से इन इंग्लिश फुट, फुट। इसे कहते हैं टखना, यू कैन से इन इंग्लिश एंकल, एंकल। इसे कहते हैं कुल्हे, यू कैन से इन इंग्लिश हिप्स, हिप्स। इसे कहते हैं गाल, यू कैन से इन इंग्लिश चिक, चिक। इसे कहते हैं शरीर, यू कैन से इन इंग्लिश बॉडी, बॉडी। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में फ़ोटो के साथ विथ बॉडी स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, ताकि आपको इंटरनल ऑर्गेन्स को पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यह है मानव शरीर के बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, इसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, जो सांस के नली में होती है। इसे हिंदी में बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। इसे बोलते हैं लंग्स। इसे हिंदी में बोलते हैं फेफड़े। फेफड़ा हमारे बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है, जो हमारे शरीर को सांस लेने में मदद करते हैं। यह है हार्ट, जिसे हम हिंदी में दिल या हृदय कहते हैं। हार्ट हमारे बॉडी में सभी ऑर्गेन्स तक ब्लड को पंप करके पहुँचाती है, और जितने भी ख्वाहिश, तमन्ना या बहुत सारी भावनाएं या फीलिंग्स यहीं से आती है। इसे बोलते हैं लीवर, और हिंदी में बोलते हैं जिगर। लीवर हमारे बॉडी के खाद्य पदार्थ को डाइजेस्ट करता है और हमारे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करता है। इसे बोलते हैं स्टोमक, और इसे हिंदी में बोलते हैं पेट। स्टोमक इंटरनली होता है और बेली एक्सटर्नल होता है। स्टोमक हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उन्हें स्टोर करता है। इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, हिंदी में इसे बोलते हैं पित्ताशय। इसे बोलते हैं स्प्लीन, हिंदी में इसे बोलते हैं तिल्ली। इसे बोलते हैं किडनी, इसे हिंदी में बोलते हैं गुर्दे। किडनी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जितना भी खराब पदार्थ होते हैं वो बॉडी से रिमूव कर देते हैं, या एक फिल्टर के जैसा काम करता है। इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत।
स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे शरीर में जितना भी पदार्थ होता है सभी को डाइजेस्ट करती है और ये डाइजेशन का काम करती है। यह है लार्ज इंटेस्टाइन, इसे हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में जो खाना नहीं डाइजेस्ट होती है उसमें से सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब्स करती है। यह है ब्लेडर, इसे हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। मूत्राशय या ब्लेडर यूरिन को स्टोर करता है, हमारे बॉडी को के यूरिन को स्टोर करता है। इसे बोलते हैं ब्रेन, इसे हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क या दिमाग। ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे बॉडी को सोचने समझने में हेल्प करता है और दिशा निर्देश देने में भी हेल्प करता है। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप पढ़े थे इंटरनल ऑर्गेन्स के फर्स्ट पार्ट, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गेन्स के सेकेंड पार्ट। सो लेट्स बिगिन। इसे कहते हैं फेरिंग्स, इसे हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। आहार नाल वह भाग है जो मुंह की गुहा और अन्न प्रणाली के बीच में होता है। द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल बिटवीन द कैविटी ऑफ द माउथ एंड द एसोफेगस। इसे कहते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स को हिंदी में कहते हैं गला या कंठनली। गले का वह क्षेत्र जिसमें वोकल कॉर्ड होते हैं और जिसका उपयोग सांस लेने, निगलने और बात करने के लिए किया जाता है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। द एरिया ऑफ द थ्रोट कंटेनिंग द वोकल कॉर्ड्स आर यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, स्वॉलोइंग एंड टॉकिंग, आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसे कहते हैं आर्टरीज, इसे हिंदी में कहते हैं धमनियों। धमनियों रक्त वाहिका होती है जो हृदय से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन मुक्त रक्त पहुंचाती है। द आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू एट द बॉडी। इसे कहते हैं मसल्स, मसल्स को हिंदी में कहते हैं मांसपेशिया। मांसपेशी सिकुड़ा हुआ ऊतक है जिसे अधिक दस्ता के लिए समन्वित प्रणालियों में बांटा गया है। मनुष्यों में मांसपेशियों की प्रणाली को कोशिकाओं के सकल रूप और स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तीन प्रकार के मांसपेशियां होती है, धारीदार या कंकाल, हृदय और चिकनी या गैर धारीदार होती है। मसल्स इज कंट्रेक्टिल टिश्यू ग्रुप इंटू कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी इन ह्यूमंस। द मसल सिस्टम आर क्लासिफाइड बाय ग्रॉस अपीयरेंस एंड लोकेशन ऑफ सेल। द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आर स्ट्रेटेड और स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ और नॉन स्ट्रेटेड। इसे कहते हैं स्केलेटन, स्केलेटन को हिंदी में कहते हैं कंकाल। मानव या पशु शरीर में सभी हड्डियों द्वारा गठित संरचना को स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ऑल द बोन्स इन ह्यूमन और एनिमल बॉडी, इट इज कॉल्ड स्केलेटन। इसे कहते हैं लिम्फ नोड्स, इसे हिंदी में कहते हैं लसीका पर्व। लिम्फ नोड एक गुर्दे के आकार का अंग है और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली है। लसीका वाहिकों द्वारा पूरे शरीर में बड़ी संख्या में लिम्फ नोड्स जुड़े होते हैं। ये कैंसर कोशिकाओं सहित विदेशी कणों के लिए फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। लिम्फ नोड्स आर किडनी शेप्ड ऑर्गेन एंड लार्ज नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स थ्रू आउट द बॉडी आर कनेक्टेड बाय लिम्फेटिक वेसल्स टू द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। दीज एक्ट एज फिल्टर फॉर फॉरेन पार्टिकल्स इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स। इसे कहते हैं बोन मैरो, इसे हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। बोन मैरो नरम स्पंजी ऊतक जिसमें कई रक्त वाहिका होती है और अधिकांश हड्डियों के केंद्र में पाई जाती है। अस्थि मज्जा बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, लाल और पीला। लाल अस्थि मज्जा में रक्त स्टेम कोशिकाएं होती है जो लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स बन सकती है। बोन मैरो द सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू दैट हैज मैनी ब्लड वेसल्स एंड हिज फाउंड इन द सेंटर ऑफ मस्ट बोन्स। देयर आर टाइप्स ऑफ बोन मैरो रेड एंड येल्लो। रेड बोन मैरो कंटेन्स ब्लड स्टेम सेल्स दैट कैन बिकम रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसे कहते हैं वेंस, इसे हिंदी में कहते हैं नसे। नसे एक प्रकार की रक्त वाहिका होती है जो आपके अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त को आपके हृदय में वापस लाती है। ये आपके धमनियों से अलग है जो आपके दिल से आपके शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। वेंस आर अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स
दैट रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर ऑर्गेन्स बैक टू योर हार्ट. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम योर आर्टरीज विच डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी. इसे कहते हैं पैंक्रियस. पैंक्रियस को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय. अग्नाशय आपके पेट के पीछे स्थित एक अंग है. यह एंजाइम बनाता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है. यह हार्मोन भी बनाता है जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है. द पैंक्रियस इज एन ऑर्गेन लोकेटेड बिहाइंड योर स्टोमक. इट मेक्स एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स के नेम इन हिंदी एंड इंग्लिश विथ देयर पिक्चर इन फुल डिफिनेशन. इसे कहते हैं थायराइड. थायराइड को हिंदी में कहते हैं थायराइड. आपका थायराइड आपकी गर्दन में एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो आपके कॉलर बोन के ठीक ऊपर है. यह आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है जो हार्मोन बनाती है. थायराइड हार्मोन आपके शरीर में कई गतिविधियों की दर को नियंत्रित करते हैं. इनमें शामिल है कि आप कितनी तेजी से कैलोरी बर्न करते हैं और आपका दिल कितना तेजी से धड़कता है. योर थायराइड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इन योर नेक जस्ट अबव योर कॉलर बोन. इट इज वन ऑफ योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच मेक्स हार्मोन्स कंट्रोल द रेट ऑफ मेनी एक्टिविटीज इन योर बॉडी. दिस इंक्लूड्स हाउ फास्ट यू बर्न कैलोरीज एंड हाउ फास्ट योर हार्ट बीट्स. इसे कहते हैं ट्रेकिया. ट्रेकिया को हिंदी में कहते हैं वायु नली या श्वास नली. श्वास नली जिसे आमतौर पर विंड पाइप के रूप में जाना जाता है, ज्यादातर लोगों में लगभग 4 इंच लंबी और 1 इंच से भी कम व्यास वाली ट्यूब होती है. श्वास नली सौर यंत्र वॉइस बॉक्स के ठीक नीचे शुरू होती है और ब्रेस्ट बोन उरोस्थि के पीछे चलती है. श्वास नली तब ब्रोंची नामक 2 छोटे नलियों में विभाजित हो जाती है. द ट्रेकिया कॉमनली नोन एज द विंड पाइप इज अ ट्यूब अबाउट 4 इंचेस लॉन्ग एंड लेस देन 1 इंच इन डायमीटर इन मोस्ट पीपल. द ट्रेकिया बिगिन जस्ट अंडर द लैरिंग्स वॉइस बॉक्स एंड रन्स डाउन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन. स्टर्नम द ट्रेकिया देन डिवाइडेड इंटू 2 smaller ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्च. इसे कहते हैं सुपेरियर वेना कावा. सुपेरियर वेना कावा को हिंदी में कहते हैं उदर महाशिरा. एक बड़ी नस जो शरीर के अन्य क्षेत्रों से रक्त को हृदय तक ले जाती है. सुपेरियर वेना कावा सिर, गर्दन, हाथ और छाती से रक्त ले जाता है. इन्फेरियर वेना कावा पेट और श्रोणी में पैरों और अंगों से रक्त ले जाता है. वेना कावा शरीर की सबसे बड़ी सिरा है. अ लार्ज वेन दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द अदर एरियाज ऑफ द बॉडी. द सुपेरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक, आर्म्स एंड चेस्ट. द इन्फेरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम द लेग्स, फीट एंड ऑर्गेन्स इन द एब्डोमेन एंड पेल्विस. द वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी. इसे कहते हैं इन्फेरियर वेना कावा. इन्फेरियर वेना कावा को हिंदी में कहते हैं निम्न महाशिरा. एक बड़ी नस जो शरीर के अन्य क्षेत्रों से रक्त को हृदय तक ले जाती है. इन्फेरियर वेना कावा पेट और श्रोणी में पैरों और अंगों से रक्त ले जाता है. वेना कावा शरीर की सबसे बड़ी सिरा है. अ लार्ज वेन दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ द बॉडी. द इन्फेरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम द लेग्स, फीट एंड ऑर्गेन्स इन द एब्डोमेन एंड पेल्विस. द वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी. इसे कहते हैं यूरेटर. यूरेटर को हिंदी में कहते हैं मूत्रवाहिनी. मूत्रवाहिनी वह नली है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है. द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लेडर. इसे कहते हैं अपेंडिक्स. अपेंडिक्स को हिंदी में कहते हैं अनुबंध. उदर के नट एक छोटा अंग उंडुक पुच. मानव शरीर में इसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं होता. अ स्मॉल ऑर्गेन इनसाइड योर बॉडी नियर योर स्टोमक. इन ह्यूमंस द अपेंडिक्स हैज नो रियल फंक्शन. इसे कहते हैं यूरेथ्रा. यूरेथ्रा को हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग. मूत्र मार्ग वह ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र को आपके शरीर के बाहर ले जाती है. पुरुषों में जब आप कमोन्माद तक पहुंचते हैं तो वीर्य को बाहर निकालने और संकरण करने का अतिरिक्त कार्य होता है. द यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर टू आउटसाइड ऑफ योर बॉडी. इन मेल्स इट हैज द एडिशनल फंक्शन ऑफ एक्सपेलिंग एजाकुलेटिंग सीमेन यू रीच ऑर्गेजम. इसे कहते हैं एओर्टा. एओर्टा को हिंदी में कहते हैं महाधमनी. महाधमनी शरीर के सबसे बड़ी धमनी है. महाधमनी बाएं वेंट्रिकल के शीर्ष पर शुरू होती है. हृदय की पेशी पाइपिंग कक्ष हृदय बाएं वेंट्रिकल से महाधमनी वाल्व के माध्यम से महाधमनी में ब्लड पंप करता है.
कोरोनरी महाधमनी हृदय को रक्त की आपूर्ति करने के लिए आरोही महाधमनी से निकलती है। द एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। द एरोटा बिगिंस एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। द हार्ट्स मस्कुलर पंपिंग चैम्बर। द हार्ट पंप ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एरोटा थ्रू द एरोटिक वेल्व। द कोरोनरी आर्टरीज ब्रांच ऑफ द असेंडिंग एरोटा टू सप्लाई द हार्ट विथ बॉडी। इसे कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम को हिंदी में कहते हैं माध्यपट। डायफ्राम सांस लेने की सबसे कुशल पेशी है। यह फेफड़ों के आधार पर स्थित एक बड़ी गुंबद के आकार की मांसपेशी है। आपके पेट की मांसपेशियां डायफ्राम को हिलाने में मदद करती है और आपके अपने फेफड़ों को खाली करने के लिए अधिक शक्ति देती है। द डायफ्राम इज द मोस्ट एफिशिएंट मसल ऑफ ब्रीथिंग। इट इज लार्ज टर्म शेप मसल लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लंग्स। योर एब्डोमिनल मसल्स हेल्प मूव द डायफ्राम एंड गिव यू मोर पावर टू एम्प्टी योर लंग्स। इसे कहते हैं रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में कहते हैं मलाशय। मलाशय एक सीधा 8 इंच का कक्ष है जो कोलन को गुदा से जोड़ता है। मलाशय का काम कोलन में मल प्राप्त करना होता है। आपको बता दें कि मल को बाहर निकालना और मल को तब तक रोके रखना जब तक निकासी ना हो जाती। द रेक्टम इज अ स्ट्रेट 8 इंच चैम्बर दैट कनेक्ट द कोलन टू द एनस। द रेक्टम जॉब इज रिसीव स्टूल फ्रॉम द कोलन। लेट यू नो दैट देयर इज स्टूल टू बी evacuated, pooped out and to hold the stool until evacuation happens. इसे कहते हैं ओवरी। ओवरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय। अंडाशय छोटे अंडाकार की ग्रंथियां होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। अंडाशय अंडे और हार्मोन का उत्पादन करते हैं। फिलोपियन ट्यूब को संकीर्ण ट्यूब होती है जो गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में जुड़ी होती है और अंडाशय से गर्भाशय तक जाने के लिए ओवा अंडा कोशिकाओं के लिए मार्ग के रूप में काम करती है। द ओवेरीज आर स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड्स दैट आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। द ओवेरीज प्रोड्यूस एग एंड हार्मोन्स। फिलोपियन ट्यूब्स दीज आर नैरो ट्यूब्स दैट आर अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस सर्व एज पाथवेज फॉर द ओवा एक्सेल्स द ट्रेवल फ्रॉम द ओवेरीज टू द यूट्रस। इसे कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में कहते हैं वीरसन। वीरसन दो छोटे अंग होते हैं जो अंडकोश के अंदर पाए जाते हैं। वीरसन शुक्राणु बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के उत्पादन में भी शामिल होते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुष विकास और परिपक्वता के दौरान मांसपेशियों का विकास, आवाज को गहरा करने और शरीर के बालों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। द टेस्टिस आर टू स्मॉल ऑर्गेन्स दैट आर फाउंड इनसाइड द स्क्रोटम। द टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्पर्म एंड आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज एन इम्पोर्टेंट हार्मोन ड्यूरिंग मेल डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन फॉर डेवलपिंग मसल्स डीपनिंग द वॉइस एंड ग्रोइंग बॉडी हेयर। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम मानव मूत्र तंत्र। अगर आप बिहार बोर्ड के 10th क्लास में हो तो आपको ये वीडियो यूरिनरी सिस्टम को समझने में बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। इसे कहते हैं सीरा। सीरा को इंग्लिश में कहते हैं वेन। नसें एक प्रकार की रक्त वाहिका होती है जो आपके अंगों से ऑक्सीजन रक्त को आपके हृदय में वापस लाती है। यह आपके धमनियों से अलग है जो आपके दिल से आपके शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। आपकी नसों में बहने वाली डी ऑक्सीजनेटेड रक्त कोशिकाओं नामक छोटी रक्त वाहिकाओं को भीतर एकत्र किया जाता है। वेन्स आर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट रिटर्न डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर ऑर्गन्स बैक टू योर हार्ट। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम योर आर्टरीज विच डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट फ्लोज इन टू योर वेन्स इज कलेक्टेड विद इन एनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। इसे कहते हैं धमनी। धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। धमनियाँ रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। फुफ्फुसीय धमनियां रक्त का परिवहन करती है जिसमें दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों तक ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। प्रणालीगत धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं वेंट्रिकल से शरीर के उत्तकों तक ले जाती है। धमनियां उत्तक कोशिकाओं में रक्त के प्रवाह को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। पल्मोनरी आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड दैट हैज अ लो ऑक्सीजन कंटेंट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। सिस्टमिक आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी टिश्यूज। द आर्टरीज प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो इन टू द टिश्यू कैपिलरीज। इसे कहते हैं वृक। वृक को इंग्लिश में कहते हैं किडनी। पेट में अंगों की एक जोड़ी में से एक गुर्दे रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी मूत्र के रूप में निकालते हैं और शरीर में रसायनों जैसे सोडियम
पोटेशियम और कैल्शियम को संतुलित रखने में मदद करते हैं। गुर्दे भी हार्मोन बनाते हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए अस्थि मज्जा को उत्तेजित करते हैं। वन ऑफ अ पेयर ऑफ ऑर्गेन्स इन द एब्डोमेन, द किडनीज रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड एज यूरिन एंड हेल्प कीप केमिकल सच एज सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। द किडनीज ऑल्सो मेक हार्मोन्स दैट हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड स्टिमुलेट बोन मैरो टू मेक रेड ब्लड सेल्स। इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी को इंग्लिश में कहते हैं यूरेटर। मूत्रवाहिनी जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचाती है। आमतौर पर प्रत्येक गुर्दे के लिए एक मूत्रवाहिनी होती है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी एक संकीर्ण ट्यूब होती है जो लगभग 12 इंच या 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक मूत्रवाहिनी में मोटी सिकुड़ी हुई दीवारें होती है और इसका व्यास इसकी लंबाई के साथ साथ विभिन्न बिंदुओं पर काफ़ी भिन्न होता है। यूरेटर डक्ट दैट ट्रांसमिट्स यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लेडर, देयर नॉर्मली इज वन यूरेटर फॉर इच किडनी। इच यूरेटर इज अ नैरो ट्यूब दैट इज अबाउट 12 इंचेस एंड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अ यूरेटर हैज थिक कॉन्ट्रेक्टिल वॉल्स एंड इट्स डायमीटर वेरीज कंसिडरेबली एट डिफरेंट पॉइंट अलॉन्ग इट्स लेंथ। इसे कहते हैं मूत्राशय। मूत्राशय को इंग्लिश में कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर। मूत्राशय मूत्र के लिए एक अस्थायी भंडारण जलाशय है। यह श्रोणी गुहा में सिम्फिसिस प्यूबिस के पीछे और पार्श्विका पेरिटोनियम के नीचे स्थित होता है। मूत्राशय के आकार इसमें शामिल मूत्र की मात्रा और आसपास के अंगों के प्राप्त होने वाले दबाव के साथ साथ बदलता रहता है। द यूरिनरी ब्लेडर इज अ टेम्पररी स्टोरेज रिजर्वियर फॉर यूरिन। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू द सिम्फिसिस प्यूबिस एंड बिलो द पेरिटल पेरिटोनियम। द साइज एंड शेप ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर वेरीज विद द अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेन्स एंड विद प्रेशर इट रिसीव्स फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्गेन्स। इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग को इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा। वह नली जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, यह मूत्राशय से मूत्र को खाली करता है। द ट्यूब थ्रू विच यूरिन लीव्स द बॉडी द एम्प्टीज यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर।